चंडीगढ़ का संघा पीस फाउंडेशन एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर यंगस्टर्स टू कम एंड गेट प्लेसमेंट्स, बिकॉज इट सी यू नो नॉट स्टूडेंट्स पास आउट एंड दे स्ट्रगल टू गेट प्लेसमेंट्स एंड सच फोरम्स आर मच द नीड ऑफ द आवर. They are guided and help them to find their path in making a career. I think it's a great initiative. Congratulations to all the organizers, and the only request is keep doing it more often, because the unemployment rate in our country is quite high, and I'm sure with efforts like these will help in bridging that gap. Once again, congratulations and wishing you all the best. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Sakarya. क्या कहना चाहेंगे, इतना बड़ा जॉब फेयर लगा है, युवाओं के लिए अच्छा मौका है, तो आप यहाँ पर विजिट करने आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ यूनिटी फाउंडेशन ने जो ग्रुप बनाया है, बॉम्बे कैथलिक सभा है, मुस्लिम प्रोफेशनल्स हैं और भी जो लोग जुड़े हुए हैं, एसोसिएट ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल, माइम दरगाह ये है, संयोग है, संघा काया, ये सब फाउंडेशन मिल के एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. और मैं देख रहा हूँ इतनी भीड़ है यहाँ पर, अभी बता रहे हैं कि ये 11 बजे शुरू हुआ है और अभी तक करीबन 1200-1300 लोग रजिस्टर हो चुके हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है. यानी आज का जो हालात है उसके हिसाब से मुल्क में नौकरियाँ नहीं मिल रही यूथ को, जो नौजवान टपका है उनको पढ़ाई हो चुकी है, काफ़ी लोग अलग अलग फील्ड में एडुकेशन ले चुके हैं, लेकिन उनको जॉब्स का कोई नहीं. अगर डायरेक्टली ये संस्थाओं के थ्रू और ये जॉब फेयर के थ्रू अगर 30% लोगों को भी इसमें से जॉब मिल जाती है तो एक बहुत बड़ा काम हो जाता है ना. और एक ये चीज़ें यानी हमको हर जगह प्रमोट करना चाहिए, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. निखिल जो है हमारे NSUI के मेंबर है कांग्रेस के, और भी दूसरे लोग हैं जो पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन ये लोग जो ये NGOs को ला के यहाँ पर बैंड्रा वेस्ट बुखार में खार सेक्रेड आर्ट स्कूल में ये जो कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मैं प्रमोट करता हूँ इन लोगों को. और फ्यूचर में इनको और भी कुछ हेल्प चाहिए मेरी तरफ से तो मैं करने को तैयार हूँ. देखा कि आप बात कर रहे थे निखिल से कि इस तरह का इवेंट बांद्रा में भी आपके क्षेत्र में, जी हाँ करना चाहिए, नॉन पॉलिटिकल इवेंट होना चाहिए जो लोगों को हेल्प हो, ये ज़रूरी आज की तारीख में, सब बढ़ के करना चाहिए. ठीक है, हम नेता ने नहीं किया, गवर्नमेंट ने नहीं किया, वो एक अलग तरीका है, लेकिन ऐसे जो NGOs है और ये जो संस्थाएं हैं ये मिलके इस तरीके से प्रोग्राम करती है तो बहुत बड़ा काम हो जाता है ना. ऐसे वैसे ही बॉम्बे कैथलिक सभा प्रोफेशनल्स जो दूसरे हैं वो सब लोग अच्छा काम ही करते हैं, पब्लिक के हित का काम करते हैं, तो इनको हमको प्रमोट करना है. और ये बहुत अच्छी चीज़ है इन्होंने ये किया है. मैंने ऊपर बात किया जो ऑर्गेनाइजर्स है उनसे भी किया, उनको मैंने बोला कि आपको और भी चीज़ें ऐसी कुछ करनी है तो बताइए हमारी कहाँ ज़रूरत है. लेकिन नॉन पॉलिटिकल होना बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि पॉलिटिक्स जब आ जाती है तो वो सब चीज़ प्रॉब्लम हो जाता है, हर इंसान क्रेडिट लेने के चक्कर में रहता है. इसमें मकसद ये होना चाहिए कि हम किसी को नौकरी दिला सकें, किसी को जो केपेबल इंसान है जो पढ़ाई कर चुका है उसको नौकरी मिलना बहुत ज़रूरी है आज के तारीख में. उसका परिवार है, उसके सपने हैं, जो उसने जो किया था, उसके माँ बाप ने जो खर्चा किया है उसकी पढ़ाई के पीछे, तो ये सब चीज़ आती है ना. तो हमारा फ़र्ज़ है, हम हमारी तरफ से जो भी कर सके ज़रूर करेंगे. और फ्यूचर में मैं बच्चों को बधाई देता हूँ, लड़कों ने ये सब किया, और फ्यूचर में इनके लिए हमेशा हमारे दरवाजे खुले हैं, कुछ भी हेल्प चाहिए तो. थैंक यू सो मच.